हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट विशाल। गाइस, आज हमारे बीच बहुत तगड़ा चैलेंज हो रहा है, जो किस किसके बीच है, मेरे, सोहित के और अली के। ट्राई सीरीज हो रही है, मतलब तीन लोगों की सीरीज हो रही है। होगा कैसे, हम आपस में एक एक मैच खेलेंगे सब, मतलब एक मैच मेरा सोहित के साथ होगा, एक मैच मेरा अली के साथ होगा, उनका भी एक एक मैच होगा, एक टीम के मतलब दो मैच होंगे। जो भी ज़्यादा मैच जीत जाएगा उनका फाइनल होगा, फिर वो टीम फाइनल में पहुँच जाएगी। अगर टाई हो गया बीच में लगा, सबने एक एक मैच जीत लिया, उसके बाद होगा बॉल आउट, जो ज़्यादा बॉल स्टंप पे लगा देगा। अगर तीनों ने एक एक मैच जीता उसके बाद आपको बॉल आउट देखने को मिलेगा, जो स्टंप पे ज़्यादा बॉल लगा देगा वो फिर टॉप टू फाइनल में पहुंच जाएंगे, उनका आपस में फाइनल होगा। और फाइनल में जो जीतेगा उसके लिए क्या है गाइज, आज शाम की पार्टी। वो दोनों जो हारेंगे उसका मैं आपको व्लॉग भी बना के दिखा दूंगा, अगर नहीं बना तो आप समझ जाना कि पार्टी आपके भाई या सोहित ने अली ने ले लिया है। तो क्या होगा उसके बाद बॉल आउट, उसके बाद जो टॉप टू होंगे वो फाइनल में। तो चलिए देखते हैं गाइज, पहला मैच हो रहा है मेरे और अली के बीच में। अब टाइम है टॉस का, तो टॉस देखते हैं, टॉस का बॉस कौन बनता है। हेड की कॉल और टेल मनिंदर टेल। मैं टॉस क्यों नहीं जीता हूँ। तो गाइज टॉस जीता है मैंने, तो मैं कर रहा हूँ पहले बैटिंग। मैं बैटिंग करूंगा, देखते हैं क्या होगा फिर आगे। चलो कुछ कहना चाहोगे इस बारे में, टॉस के बारे में? टॉस हो गया गाइस, आज तक नहीं जीता, पता नहीं क्या चक्कर है। टॉस हारे हो मैच भी हारोगे इंशाल्लाह। तो गाइस यहां पे पहला मैच स्टार्ट हो चुका है विशाल और अली के बीच। तो विशाल कितने रन बनाना चाहोगे आप? रन एक ओवर का मैच है, कम से कम सोच रहा हूँ 10 रन तो बनाना ही है, 10 रन तो मेरा टारगेट। और अली आप कितने रन पे रोकना चाहेंगे इन्हें? मैं 10 से नीचे रोकना चाहूंगा। अच्छा जी, बोल्ड करना चाहोगे? हिसाब नहीं है, चलो इनका हिसाब नहीं है बोल्ड करने का। तो चल गाइस, पहला मैच स्टार्ट होता हुआ यहाँ पे अली बॉलिंग की तरफ जाते हुए, अपनी बॉलिंग रन अप पे जाते हुए, और विशाल अपना वार्म अप करते हुए। चलो राइट हार्म राउंड द विकेट, मीडियम पेस, पहली बॉल और डॉट बॉल। अगर एलबी का होता तो शायद विशाल आउट हो जाते शायद, क्योंकि पिचिंग लेग था। आज विकेट हमने चेंज किया, पहले उधर खेलते थे तो घास थोड़ा बड़ा है, नीचे रहा, पर देख के खेलना पड़ेगा। चलो गाइस पहली बॉल, दूसरी बॉल के लिए रेडी, और बेहतरीन 6 रन। पहला छक्का आ गया है, पहला छक्का लग गया है दूसरी बॉल पे। तो अली अब बॉल लेने के लिए जाते हैं मायूसी के साथ, छोटे छोटे कदमों के साथ, वैसे इनकी हाइट भी छोटी है तो छोटे कदम ही लगेंगे। दो बॉल पे 6 रन हो चुके हैं, अब विशाल से पूछते हैं उनको क्या लगता है। कनेक्ट हो गई है तो रन ज्यादा भी, 10 से ज्यादा भी बन सकते हैं, कनेक्ट हो रही है। चलो गाइस चलिए शुरू करते हैं, तीसरी बॉल विशाल सामना करेंगे तीसरी बॉल का। दो बॉल 6 रन और छोटी बॉल, बहुत अच्छी बॉल यहाँ पे, गुड बॉल अली। पहला मुकाबला है आप देख रहे हैं विशाल और अली के बीच, विशाल के यूट्यूब चैनल पर। और चौथी बॉल और डॉट बॉल, ओह माय गॉड, इधर से गई, नहीं पैर के नीचे से गई है भाई। इस बॉल पे तो कुछ नहीं कर सकता था, जो ये वाली गई। तो गाइस स्टार्ट करते हैं पांचवी बॉल, और ये 6, एक और मैक्सिमम। गाइस दूसरा भी आ गया है, अभी एक बॉल बची है। चलिए गाइस देखते हैं क्या होता है, कितने रन, 12 तो बन चुके हैं, लगभग 3 बाउंड्री अली को मारनी ही पड़ेगी। गाइस रिक्शा करके अब अली आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं विकेट के पास, क्योंकि बहुत ही लंबा छक्का खाया था इन्होंने। आप देख सकते हैं कहां से आ रहे हैं, थक चुके हैं। थक चुके हैं पांच बॉल में, और लास्ट बॉल विशाल क्या कर चाहेंगे, बाउंड्री 12 हो चुके हैं, बाउंड्री कोशिश करूंगा। चलो गाइस लास्ट बॉल, ओके क्या ये बाउंड्री होगी, जी नहीं। तो गाइस 12 रन बनाए हैं विशाल ने, और अली को बनाने हैं 16 रन या 14 रन, 14 बनाएंगे अली। तो अली क्या कहना चाहेंगे, कितनी बॉल पे बना देंगे आप ये रन? 14 रनों का टारगेट है आपको, देखते हैं, कोशिश पूरी रहेगी जल्द से जल्द खत्म करने की, क्योंकि बॉल आज थोड़ा टफ आएगा। तो धूप भी बहुत तेज है गाइस, आपको बता दूं कि अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं, और पाप को जानते हैं कितनी धूप हो रही है। और पहली बॉल का सामना करेंगे अली, और डॉट बॉल, पहली बॉल डॉट हुई। क्या करना चाहेंगे अब अली अपने निकालते हुए, क्या कहा है ना, बस यो काट दिए। तो अली क्या दूसरी बॉल का सामना करेंगे अली, ओह माय गॉड, शानदार शॉट अली के द्वारा, 4 रन मिले अली को। क्या कहना चाहेंगे अली, वापसी हो चुकी है, बाउंड्री आ चुकी है यार, अभी विशाल की 3 बॉल के बाद आई थी बाउंड्री, इसी बॉल पे बाउंड्री लेनी पड़ेगी तभी। एक और बाउंड्री चाहते हैं इसी बॉल पे, तो अली चाहते हैं एक और बॉल पे बाउंड्री।
बाउंड्री, वो भी अगली ही बॉल पे, वेरी नेक्स्ट बॉल जाना पड़ा था विशाल को अपनी बॉल लेकर। तो गाइस तीसरी बॉल का सामना करेंगे अली, क्या करते हैं, क्या होगा? और ये बाउंड्री की तरफ जाती हुई बॉल, मुझे नहीं लगता बाउंड्री हो पाएगी क्योंकि बहुत बड़ी घास बढ़ गई थी बीच में और रुक गई। जी हाँ मनिंदर जी, बाउंड्री रुक चुकी है और तीन बॉल पर है 4 रन। अली को चाहिए 3 बॉल पर 10 रन और। यार पता ही नहीं मैं क्यों नहीं मार पा रहा, पीछे से आऊंगा मैं मार दूंगा सर। तो गाइस अली कह रहे हैं मैं पीछे से आऊंगा तो मार दूंगा। अली आप चाहे तो कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, आपकी वीडियो है, आपकी बैटिंग है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका ही मैच है, हारेंगे तो आपको ही पार्टी देनी पड़ेगी, कोई और नहीं देगा। तो गाइस 3 बॉल 4 रन, चौथी बॉल का सामना करेंगे अली, देखते हैं क्या होता है। और डॉट बॉल, क्या बात है, विशाल द्वारा घातक गेंदबाजी हो रही है विशाल के द्वारा। 4 रन और 5वीं बॉल डॉट और अली यहाँ पे मैच हार चुके हैं। ओह माय गॉड। तो गाइस बताइए क्या हुआ, अली ने कहाँ गलती करी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अली कहाँ कुछ कर सकते थे। तो गाइस लास्ट बॉल अली की बैटिंग की और स्लोअर बॉल और ये बहुत ही अच्छा 6 रन। ये छक्का पहले आ जाता तो शायद कुछ हो जाता मैच में, अली वापसी कर सकते थे अगर ये छक्का पिछली बॉल पर या उससे पिछली बॉल पर। तो जी हाँ दर्शकों मैं बता दूं आपको, दूसरा मैच स्टार्ट होने वाला है, अली काफी थके हुए महसूस कर रहे हैं, क्या सोहित को हरा पाएंगे। जी हाँ ये भी बड़ा सवाल है। तो टॉस होने जा रहा है, टेल तो टेल की कॉल की है और जी हाँ टॉस फिर से सोहित ने जीत लिया। अली तुम बार बार टॉस आ रहे हो, क्या बड़े रीजन है। तो सोहित बताओ आप क्या टारगेट देख रहे हो, जैसे आपने पूरा मैच पहला देखा 3 बाउंड्री मिनिमम, चाहे वो 3 चौके हो या 3 छक्के हो, एटलीस्ट 3 को बाउंड्री मिले टारगेट तो अच्छा है, क्योंकि 2 बाउंड्री तो लगी जाएगी कभी भी, इसीलिए 3 बाउंड्री बहुत जरूरी है। 3 बाउंड्री का टारगेट कर रहे हैं। तो गाइस बताओ कमेंट बॉक्स में ये मैच कौन जीत रहा है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो अब स्टार्ट होता है पहली बॉल, अली डालने को तैयार है, सोहित फेस करने के लिए तैयार है पहली बॉल। ओहो, अच्छा कनेक्ट हुआ जी हाँ, 4 रन पहली बॉल पे 4 रन। आज तो अली का वो फॉर्म वापस नहीं, क्या पता वापसी कर सकते हैं अभी। तो कैसा लग रहा है, एक बॉल पे 4 रन आ चुके हैं, तो मैंने कहा था 3 बाउंड्री लगानी है, तो अब 2 बची है, 5 बॉल पे 2 बाउंड्री, चाहे वो 2 छक्के हो या 2 चौके हो या 1 छक्का 1 चौका कुछ भी हो। तो गाइज अब दूसरी बॉल अली डालने को तैयार है, पहली पे आ गया चौका। ओ जी हाँ दूसरी बॉल पर भी अच्छा हिट किया, एक और 4 रन। जी हाँ ये देखा आपने, घास की वजह से कितना ऊपर बाउंस हुआ था, पर मैंने सही टाइम पे मैनेज कर लिया, तो चोर मिल गया, वरना ये डॉट हो जाती पक्की बात है। अच्छा पिक करके मारा जी हाँ सोहित ने, अच्छा शॉट पिक करा, क्योंकि इतना आसान नहीं है बॉल जब उठता है इस घास से, आप देख सकते हो तो इतना आसान नहीं है। तो अली क्या अब वापसी कर पाएंगे, ये भी आपको बताना पड़ेगा। गाइस मैंने विशाल के बैटिंग में बताया था, मेरी स्ट्रेटेजी थी कि अली जितनी ज्यादा वाइड डालेंगे मेरा उतना बेनिफिट होगा, क्योंकि वो थक जाएंगे। और अभी उनकी हालत देख लीजिए, वो जा रहा है जूम करके आपको दिखाता हूँ, लगी पड़ी है उनकी, वो जा रहा है, तो वो पूरी अच्छे से थक चुके हैं, अब आप देख सकते हैं। तो इसका मुझे बहुत बेनिफिट मिल रहा है बैटिंग में, क्योंकि अली थक चुके हैं, और मैं चाहता था कि वो टॉस हार जाए, वो हार भी गई, क्योंकि उनके आज तक टॉस जीते ही नहीं है वो एक भी मैच में। तो गाइज अब यहाँ से बताओ अली वापसी कर पाएंगे, अली वापसी कर सकते हैं क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं। तो अभी हाली स्कोर बता दूं मैं आपको, 2 बॉल पे 8 रन हो चुके हैं, अली हारते ही बाहर हो जाएंगे इस मैच से, फिर फाइनल होगा मेरा और सोहित, फिर सीधा फाइनल है, क्योंकि अली दोनों मैच हार जाएंगे। अगर जीत गए तो फिर गाइज मेरा और सोहित का है, उसमें भी आपको तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। अभी स्कोर 2 बॉल पे। तो अली आ गए बॉल लेके, अपनी काफी दूर जाना पड़ता है गाइज, हम खुद ही ये करते हैं, जो बॉल डालता है छक्के खाता है वही बॉल लेके आता है। तो अब तीसरा बॉल, अली भागे छोटे छोटे कदमों से, ओ जी हाँ अच्छा बॉल, बहुत तगड़ा बॉल था, डॉट बॉल। ओहो क्या जा पाएगी बाउंड्री पे, जी हाँ एक और चौका, 12 रन। गाइज जो पहले मैच का स्कोर था, अभी 2 बॉल पहले ही सोहित ने अचीव कर लिया है 12 रन। क्या अली इस टूर्नामेंट से बाहर होते हुए दिख रहे हैं, पर बैटिंग आना बाकी है, बहुत बड़ा सवाल है अभी। तो अभी क्या टारगेट आपके 2 बॉल पे, 1 बाउंड्री और, 2 बॉल बची, 1 बाउंड्री और कर लेंगे तो मैच और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मेरी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं। ओह अच्छा बॉल, एक और अच्छा, अब रन हो चुके हैं 12। लास्ट बॉल इस इनिंग का, लास्ट बॉल जो अली फेंकने वाले हैं। जी हाँ काफी थके हुए लग रहे हैं, पर अगर यहाँ से थक जाते तो बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा इस टूर्नामेंट से।
पार्टी भी देनी पड़ सकती है शाम को, बड़े कैंडिडेट बन चुके हैं। ओह काफी लंबा बहुत लंबा छक्का लग चुका है। तो क्या कहना चाहेंगे? 20 बनाने चाचा को। चाचा 20 रन है, क्या टूर्नामेंट से बाहर समझ सकते हैं या आपके चांसेस क्या हैं? तो गाइस दूसरी इनिंग स्टार्ट होती हुई है, अली आ गए हैं स्ट्राइक पे। तो अली कितनी बॉलों में आप लग रहा है चेंज कर सकते हो, लास्ट बॉल तक खेलोगे? अभी ये इनका थोड़ा मनोबल थोड़ा डाउन लग रहा है, पर देखते हैं, क्रिकेट है गाइस, यहाँ से भी वापसी अली कर सकते हैं। पहली बॉल, ओह जी हाँ, जिसकी आशंका थी वही हुआ, पहला छक्का आ चुका है। यहाँ से तो वापसी का आपका पूरा संकेत लग रहा है अली, एक छक्का पहली बॉल पर। तो गाइस सोहित बॉल लेके आ चुके हैं, दूसरी बॉल पहली पे छक्का लगा चुके हैं अली। अब देखते हैं दूसरी बॉल का क्या होगा, क्योंकि उनके हाथ में भी भट्टा है, वो जहाँ चाहे वहाँ डाल सकते हैं, पर अली के हाथ में बैट है, ये जहाँ चाहे वहाँ मार सकते हैं। जी हाँ, दूसरी बॉल तैयार है उधर से आने के लिए। ओहो मिस इट, मिस इट, ये गंदी बोलती है, आप चाहते तो इसको कवर्स के ऊपर। तो गाइस तीसरी बॉल, ओह कुछ नहीं है, अली ने ही बोला था वहां के रन नहीं है स्टार्टिंग में, तो कुछ नहीं है, अली तीन बॉल हो चुकी है। तो गाइस अब चौथी बॉल डालने के लिए तैयार है सोहित। ओह जी हाँ, ऊपर गई है, बहुत ऊपर गई है, हमें क्या कैच, नहीं कैच तो नहीं होगा और बाउंड्री भी नहीं है। तो गाइस अब लास्ट की दो बॉल बची है, टाई होने का अब भी चांस है। एक और सिक्स लगा दिया, जी हाँ अब तो जान में जान आई, आप देख सकते हो मुस्कुराहट सब बयान करती है। तो यहाँ से अगर एक छक्का और लगता है तो मैच टाई। गाइस रन हो रहे हैं 12 और लास्ट बॉल पे टाई करने के लिए चाहिए एक छक्का, जीतने का तो चांस नहीं है, पर टाई के लिए खेलेंगे अली अब। और उधर से सोहित भी बचाना कोशिश करेंगे कि एक छक्का ना ही लगे, बाउंड्री पे चौके पे बाहर टल जाए तो ठीक रहेगा। अब है लास्ट बॉल, क्या होगा इस महामुकाबले का? ओ डॉट बॉल, अली इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, तो बाय करके जा रहे हैं। तो कमेंट करो इनके लिए, आज उस फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे थे, तो ये फाइनल खेलेंगे कि मैच जीतने के बाद ही, सोहित का फाइनल। तो गाइस अब फाइनल मैच होने जा रहा है मेरे और सोहित के बीच में, अली बाहर हो गए इस टूर्नामेंट से, पहला दो मैच हार गए थे वो, तो फाइनल का टॉस है, देखते हैं कौन आज फाइनल जीतेगा, बड़ा मुकाबला है, क्योंकि पार्टी भी गाइस रात को उसे ही देनी है, वो दो जने ही देंगे जो हारेंगे, तो शायद जीतने की होप रहेगी। तो टॉस का टाइम, टेल्स गाइस टॉस आपका भाई जीत चुका है, सेम बैटिंग ही करूंगा, तो सिक्का अली के पास जा रहा है। हेलो गाइस, मैच शुरू हो चुका है और अब विशाल सामने है। गाइस मेरा टारगेट वही सोच रहा हूँ, 12 रन जो मैंने पहले बनाए थे, क्योंकि 12 रन बहुत बढ़िया है, इतने आसान नहीं है बनाना। और सोहित सामने बॉलिंग लेकर, पहली बॉल सोहित की, बट्टा आई और पहली बॉल ना वाइड नहीं। चलो दूसरी गेंद है, हो आकाश दूसरी बॉल सोहित चाकाल, और ये कुछ भी नहीं होगा, भागकर चाकाल बॉल पकड़ लेंगे, पकड़ बेटे पकड़, बा चाकाल ने बॉल, और चार हुआ कि नहीं हुआ, और ये दूसरी बॉल भी डॉट के बीच, और ये फाइनल चल रहा है ट्राई सीरीज का, जिसमें और ये चाकाल की अगली बॉल और फुल झटका और फुल लंबा छक्का, क्रिकेट विद विशाल के धातु द्वारा, और ये लंबा छक्का, बहुत लंबा छक्का, बहुत लंबा, 80। विशाल जैसे सोहित चाकाल भट्टा मार रहे हैं, तो खेलने में प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती? प्रॉब्लम होती है, कोई कोई बॉल तगड़ा तेज आ जाता है, पर एडजस्ट करके लग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं चौथी बॉल, और ये चाकाल सोहित चौथी बॉल भट्टे के साथ तैयार, लंबा भट्टा, और मारना चाहते थे लंबा शॉट, लेकिन मिस हो गया गाइस। इस बॉल पे कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि ये देसी लैंग्वेज में रामबाण बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पर चाकाल खुश होते हुए, फुल खुश है चाकाल। पांचवी बॉल चाकाल सोहित की, और विशाल क्रिकेट तैयार, और ये ड्राइव कर दिया यहाँ पर, ऑफ ड्राइव मारा है, लंबा हिट मारना चाहते, और 4 रन इस तरीके से। पांचवा बॉल था, 4 रन हो गए गाइस, और 10 रन हो चुके हैं टोटल, हो चुके हैं, एक पे छक्का जाए तो मजा स्कोर होगा। जैसे सोहित एक बढ़िया बैट्समैन है, ओपनर बैट्समैन है, अपनी टीम के लिए बढ़िया बैटिंग करते हैं, तो उनके लिए आपको 16 रन बहुत है,
16 बहुत है क्योंकि इसमें क्या है, घास है ना, यहाँ पे कोई बैट्समैन नहीं है, यहाँ पे तो एडजस्ट करके मारना पड़ता है। ओके तो देखते हैं। ओके बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। खाली निकले, इसको डॉट निकालने की कोशिश करेंगे। थक चुके हैं वैसे क्योंकि तीसरा ट्राई सीरीज थी इन लोगों की, और ये लास्ट बॉल देखते हैं क्रिकेट विद विशाल क्या करते हैं। ओह लंबा शॉट, ये तो 6 रन। तो विशाल जैसा आपने सोचा था बाउंड्री आपको आ गई, ये भी बढ़िया छक्का है, मजा आया इसको छक्के मारने में भी। अब आ गए 16 रन, 18 बनाने पड़ेंगे। तो बड़ा स्कोर है, तो बड़ा स्कोर है यहाँ पर क्रिकेट विद विशाल यानी कि विशाल चौधरी को। क्या कहेंगे शाकाल सोहित आप 18 रन के टारगेट के लिए? एक बाउंड्री एक्स्ट्रा खा ली मैंने लास्ट बॉल पे, उसने बहुत अच्छा शॉट मार दिया। बट तो लास्ट बॉल पे मतलब बाउंड्री नहीं आनी चाहिए थी, वो शॉट अच्छा मार दिया उसने। शॉट भी अच्छा था, आपने थोड़ा ऊपर भी कर दिया बॉल। नहीं बॉल तो सही था, उसने यहां से सीधा मार दिया। पहली बॉल विशाल चौधरी, टारगेट 18 रन, सोहित शाकाल तैयार। और अच्छा फील्ड यहाँ पर, और फुल टॉस बॉल था। और विशाल चौधरी दूसरी बॉल करने के लिए, पहला बॉल डॉट हो गया था। अब 5 बॉल 18 रन, सोहित शाकाल तैयार। और दूसरा बॉल भी डॉट, समझ नहीं पा रहे। तो सोहित कुछ तो माइंड में चल रहा होगा ना, 2 बॉल डॉट हो गए, कोई जवाब तो दीजिए। क्या जवाब? पहले सोहित शाकाल से मैं पूछना चाहूंगा, 2 बॉल डॉट हो गए सोहित शाकाल, थोड़ा सा कुछ बताएं। 4 बॉल पे 4 बॉल 18 रन कर सकते हैं अभी भी, कह रहे हैं अभी भी कर सकते हैं। विशाल चौधरी तैयार, तीसरा बॉल, और फिर कन्ना लगता हुआ। विशाल चौधरी दौड़ रहे हैं कि बाउंड्री बचाएं, और उधर का कुछ नहीं है। यहाँ पर 3 बॉल डॉट हो चुकी सोहित शाकाल की, यानी कि अब 3 छक्के तो विशाल चौधरी के फेवर में जाता हुआ मैच। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। 3 बॉल 3 छक्के चाहिए यहाँ पर। 3 बॉल डॉट कर चुके और विशाल चौधरी काफ़ी खुश है। तो इधर देखा, हाथ हिला रहे हैं इधर विशाल चौधरी खुश हैं क्योंकि 3 बॉल पर 3 छक्के खाना, क्योंकि एक प्योर बॉलर है और इधर प्योर बैट्समैन, अपनी टीम के ओपनर बैट्समैन, तगड़े बैट्समैन। उधर विशाल चौधरी ओपनर बॉलर, और ये चौथी बॉल भी डॉट सोहित के बल्ले से, और ये सोहित मैच हार चुके हैं। 4 बॉल डॉट कर चुके विशाल चौधरी, तो ट्राई सीरीज का 2 बॉल 18 रन विशाल चौधरी लगभग मैच जीत चुके हैं। 2 बॉल 18 रन, और ये स्ट्रेट में मार दिया है लास्ट बॉल। विशाल चौधरी खुश, यहाँ पर लास्ट बॉल 14 रन, और ये एक और बाउंड्री आई जिससे 8 रन के 10 रन से मैच हार गए विशाल सोहित शाकाल। 6 रन से 8 रन आए तो सोहित मैच, ऐसा सोचा था कि ऐसा हो जाएगा? ना जी ऐसा तो नहीं सोचा था, एक तरफा ही हार हो गई, एक तरफा हार हो गई। ये तो सोहित शाकाल का ट्री फाइनल था, जैसे थोड़ा प्रेशर तो था ना भाई, फाइनल फाइनल होता है। और उधर विशाल चौधरी भंगड़ा करते हुए यहाँ पर काफी कुछ है। विशाल चौधरी जीत गया फाइनल, अली हार गया, सोहित लास्ट मैच हार गया। तो पार्टी पूछते हैं सोहित से। चलिए सब बात छोड़िए विशाल चौधरी, मतलब ट्राई सीरीज थी, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा 38-39 टेम्परेचर है, तो आप ये बताइए मैच जीत गए आप, अच्छा लगा आपको भी, लेकिन फील कैसा हो रहा है, इनके बॉडी आपको कैसी लग रही है, कि थकावट लग रही है कि सबसे अच्छा हो रहा है इस टाइम जो फील हो रहा है ना, सबसे अच्छा है इस टाइम, क्योंकि इतनी गर्मी है, बॉल भी हमें खुद ही उठा के ला रहे हैं, और एक कॉम्पिटिशन हो रहा है क्योंकि पार्टी देनी पड़ेगी, कॉम्पिटिशन इसलिए चल रहा है, पार्टी देनी पड़ेगी। अब सोहित और अली देगा, मैं तो आराम से बैठ के खाना है। वैसे भी खाने वाले हो तुम विशाल चौधरी, तगड़ा, खाने में कोई कमी नहीं है, कंपेयर नहीं करते, कुछ कंप्रोमाइज नहीं, सॉरी। बस यही, अब सोहित से पूछते हैं, बताओ। तो इधर सोहित, हाँ तो सोहित 18 रन थे लेकिन आप 8 रन बना पाए 10 रन से हारने पर, कुछ 6 रन वसीम भाई, 2 रन भाई बढ़ा दे, सॉरी ने भी अच्छी तार रखी। तो ये बताओ, मैच तो हार जीत लगी रहती है, पार्टी चाहिए, पार्टी में क्या है फिर, पार्टी में क्या है सोहित? पार्टी हम जाएंगे यहाँ के मशहूर ढाबा, पंजाबी ढाबे में, तो रात शाम का इनके मधुर सचदेवा के, आराम से तगड़ा हो गया काम, मधुर सचदेवा आज वही खाना है गाइस। अगर आपको अच्छे लगते हैं जो हम सीरीज खेलते हैं, चैलेंजेस खेलते हैं, तो लाइक किया करो, मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक करते हो। और हमारी पार्टी तो होती रहती है, कभी मुझे नहीं पड़ती है, कभी ये देते हैं, और कब से एक आपने जैसे देखा हो मैंने जीत ही लिए थे चैलेंज वैसे में। और गाइज वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें अपने भाई को, चैनल इंस्टाग्राम पर भी सेम अकाउंट है, वहाँ भी आपका सपोर्ट चाहिए। और पीछे थे वसीम भाई जो कमेंट्री कर रहे थे, तो कमेंट्री अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।